हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे व्हाट आफ्टर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और इसके अंदर बहुत सारे काफ़ी चीज़ें हैं। मैं जॉब की बात करूँगा, बीटेक की बात करूँगा, गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज की बात करूँगा, बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की बात करूँगा। और अगर मैं आपके जगह पर होता तो क्या करता, विथ सम केस स्टडीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब के बारे में। देखो यार, अगर ऐसे आपका प्लेसमेंट होता है किसी ब्रांडेड कंपनी में, ठीक है, आपका पैकेज लगता है मोर देन 2.4 CTC, तो आपको बाकी ऑप्शंस और एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए एज ऑफ नाउ। आपको उधर जाते 2 साल एक ही कंपनी में काम कर लो, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लो। अब जाके 2 साल का एक्सपीरियंस लेने से फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? आगे फायदा मिलेगा जब आप पढ़ाई करेंगे आगे, या फिर आगे कुछ जॉब लेने जाओगे फायदा मिलेगा। अच्छा, अब 2 साल बाद आपका सैलरी कितना हो जाएगा? बढ़िया कंपनी होगी तो लगभग 3 लाख के आसपास पैकेज होगा आपका, मतलब आप 20 से 25 तक पहुंच जाओगे। ये फिक्स नहीं है, मैं बस एवरेज बता रहा हूँ। वैसे डिप्लोमा के बाद अगर प्लेसमेंट होता है आपका, 4 लाख का पैकेज भी लगता है, बट वो बहुत कम बच्चों का इतना अच्छा पैकेज लगता है। इन जनरल 2 लाख 2.5 लाख का पैकेज लगता है, 1 लाख 80 हज़ार का, 1 लाख 40 हज़ार का, 44 हज़ार का, 12 हज़ार पर मंथ, ऐसे ही पैकेज लगते हैं एज ए फ्रेशर। आफ्टर एक्सपीरियंस वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, 2 हज़ार 3 हज़ार एक महीने का बढ़ता रहता है, मतलब साल का 20 हज़ार के आसपास, 25 हज़ार 30 हज़ार के आसपास बढ़ता रहता है। मतलब जितना सैलरी है लगभग 10% 15% आपका बढ़ता है, 20% थोड़ा कम बढ़ता है, 15% इन जनरल बढ़ता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही आप 2 साल बिता लोगे और 4-5 साल बिताओगे तो आपका इंक्रीमेंट रुक सा जाएगा। तो इसीलिए 2 साल के बाद आपको क्या करना है, आपको बीटेक करना चाहिए। पहली बात, अगर मान लो प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो क्या करो, बीटेक करो, आप डायरेक्टली बीटेक करो। पैसे नहीं है कुछ भी बीटेक करने के लिए, तो भाई आप क्या करिए, जॉब ढूंढिए, जॉब ढूंढना पड़ेगा, जॉब लेना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर बीटेक करना पड़ेगा। बट मैं आपको क्या सलाह देता हूँ, डायरेक्टली आप बीटेक ना करें। आप बीटेक करें तो कोशिश करिए लीड के एग्ज़ाम दे के बीटेक करें। अब कई स्टेट में क्या होता है, प्लस जो आपके डिप्लोमा के मार्क्स है उसके बेस पर बीटेक कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, बहुत सारे स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स मेरे दिमाग में नहीं है, बट मैंने एक वीडियो बनाया था लिस्ट ऑफ लीड एग्ज़ाम्स स्टेट वाइज, हर स्टेट का एग्जाम का इंफॉर्मेशन है, जो किसी वेबसाइट किसी वीडियो में नहीं है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें वो चीज़ ने बता रखा है, लीड से क्या फ़ायदा मिल जाएगा आपका, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांसेस है। पहला, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया आपका तो क्या हो जाएगा, आपका जो फीस है बहुत कम लगेगा, फर्स्ट। सेकेंड, प्राइवेट कॉलेज से चांस ज़्यादा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा बेटर मिल जाएगा, टीचर्स पुराने मिल जाएंगे, जो साथी होंगे वो भी पढ़ाकू होंगे, तो कुल मिला के आपको बेटर ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। बट आपको अगर बीटेक में एडमिशन मिल गया तो कुछ और भी करना है, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ आगे। क्या सर हमें खाली गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए? देखो, कर सकते हैं, बट इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है, वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब 1 साल में नहीं लगेगा, 2-3 साल 4 साल लगता है प्रिपरेशन करके जॉब लगता है, लगता है जॉब 3-4 साल 2 साल 3 साल लगता है, 1 साल में बहुत रेयरली लगता है किसी का। तो आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने जाएंगे, 1 साल में कोई प्रॉब्लम इन जनरल नहीं आता है, 1 साल बाद जॉब तो लगेगा नहीं, तो घर वाले बोलेंगे, आस पड़ोस वाले बोलेंगे, आप खुद डिमोटिवेट फील करेंगे, कहाँ मैं फंस गया। तो इसीलिए खाली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने के लिए मना करता हूँ। उसके पीछे और एक बड़ा रीज़न भी है, वो क्या है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब इतने ज़्यादा वैकेंसीज ही नहीं होते हैं SSC डिप्लोमा के बाद गवर्नमेंट जॉब का, कम ही वैकेंसी निकलते हैं, निकलते हैं बट कम निकलते हैं। तो इसलिए खाली गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म कोर्स मैं रिकमेंड करता हूँ डिप्लोमा के बाद नहीं, डिप्लोमा के साथ साथ। जैसे आप क्या कर सकते हैं, आप मान लो आपको आर्किटेक्ट पसंद है तो पहले आप ऑटोकैड सीख लीजिए। ऑटोकैड सीखने के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, हम प्रोवाइड करते हैं बहुत एफोर्डेबल प्राइस में, ओनली 399 रुपीज़ बाय NIT
एनआईटी से पढ़ा हुआ टीचर जो पढ़े हुए हैं वो टीचर हैं, वो पढ़ाए हैं 399 रुपीज़ में। सिविल का अलग से मैंने करवाया, उसमें प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स बहुत कुछ है, ओनली 399 रुपीज़ का। इसका लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो है एप्लीकेशन का लिंक, उससे डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं 399 रुपीज़ में, सेम टीचर ऑफलाइन में 10,000 रुपया फीस लेते हैं, और जितने चीज़ हमने ऑनलाइन में दिया है उतने भी वो पढ़ा नहीं पाते हैं ऑफलाइन में, इसका गारंटी मैं देता हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बीटेक के साथ साथ करना, बीटेक के बाद अगर कोई जॉब कर रहे कर सकता है, बट इसमें आप बोलोगे सर क्या आपको आप सॉफ्टवेयर फ्री में देते हो? देखो किसी के पास सॉफ्टवेयर अगर चाहिए, हम प्रोसेस बताते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाओगे आप, बट आपके पास स्टूडेंट आई कार्ड होना चाहिए तो मिल जाएगा फिर, बिकॉज ऑटोकैड वाले खुद देते हैं फ्री में, हम प्रोसेस बता सकते हैं आपको। नेक्स्ट, क्या हमें ये ऑप्शन चुनना चाहिए, बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन? तो मैं आपको सच बताऊं तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। क्यों बता रहा हूँ, खाली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करोगे एक साल बाद सारे ताना मारेंगे, जॉब कहाँ है, जॉब कहाँ है, जॉब कहाँ है, निठल्ला है, बेरोजगार है। लेकिन अगर बीटेक कर रहे हो साथ में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करोगे तो कोई बताएगा नहीं कुछ, पढ़ाई कर रहा है आपको, लेकिन टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज बीटेक का पढ़ाई भी है, कॉलेज लगाना है, लैब्स लगाने हैं, उसके ही पढ़ाई करना है, तो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के दूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में इसके बारे में, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को इसका नीड है, अगर उसको सही ठीक ठाक आप फॉलो करते हैं आई एम प्रीटी श्योर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस इसका और एक एडवांटेज है, आप डिप्लोमा के जॉब्स के लिए एलिजिबल तो बहुत सारे हो जाते हो, प्लस जो बीटेक लेवल के जॉब्स निकलते हैं उनके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, समझ रहे हैं? तो अगर मैं आपके जगह पर होता, मेरे पास ऑप्शन होता, तो मैं ये फिफ्थ वाला ऑप्शन को ऑप्ट करता, बिकॉज इससे बहुत कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसका आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करे हो और आपको प्रॉब्लम हुआ है कभी किस चीज़ में, अंग्रेजी में प्रॉब्लम हुआ है, बोलने में, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, आपको आता था टॉपिक, बिकॉज ऑफ इंग्लिश आप लिख नहीं पाए, इसमें प्रॉब्लम हुआ। तीसरा, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ है सर मैं पढ़ने जाता हूँ किताब समझ में नहीं आता है अंग्रेजी के वजह से, ये सब का प्रॉब्लम का सलूशन एक है, ये है मेरा कोर्स, बिकॉज सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया था फर्स्ट ईयर में, जब वो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया तो मैंने बाकी जो 6 सेमेस्टर बचे थे टॉप किया था, अपने ब्रांच में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लाया था। तो ये अगर रिएपियर आता है दोस्त तो 1,000-2,500 रुपये खर्चा हुआ था, तो इसलिए इस कोर्स का मैं 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ, इतना नहीं चार्ज करता हूँ, बिकॉज मेरा काम है मैक्सिमम बच्चों को हेल्प करना। 5,000 रुपया हो सकता है बजट में आता हो, आपको नहीं आता मुझे नहीं पता, बट इसका प्राइस है सिर्फ 500 रुपया, ऊपर से 100 रुपया डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इस 100 रुपया डिस्काउंट के लिए जो प्रोमो कोड लगता है डिस्काउंट कोड, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ में, आप बाय कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रहा है, इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, और एक कोर्स सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। इमेजिन आपका आता है 60% नंबर, इस कोर्स के बाद आपका 60 से अबव तो आएगा, कितना आएगा, कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। बहुत सारे बच्चों का 10 से 15-20% नंबर बढ़ा है बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेटेजीज जो मैंने बताया उनको, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपके अच्छे परसेंट लाने का। जो भी आपको बोलता है परसेंटेज मैटर नहीं करता, आपको झूठ बोला, सिंपल सी बात है, ठीक है? लाइफ में सब कुछ मैटर करता है, आपको देखना पड़ेगा उस सब चीज़ के बारे में, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं जी कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो आफ्टर डिप्लोमा प्लस बीटेक करने के बाद, उसकी बात करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो भी बताने वाला हूँ ये बड़ा अमेजिंग स्लाइड्स है, इसको बनाने के लिए मेरा काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है? बहुत टाइम लगाया मैंने इस चीज़ को बनाने के लिए, तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, और क्या करना है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करना दोस्तों के साथ। ये जो लिस्ट बनाया नेट पर नहीं है किसी भी के पास भी, मैंने खुद बनाया है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं आप आफ्टर बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसके होते हैं, यूपीएससी ईएससी मतलब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ये इसके पूरा हिसाब किताब है, सारे का बताऊंगा, नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम साइकिल क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग कितना रहता है, कितने कट ऑफ रहता है, सैलरी कितना रहता है, इंटरव्यू कब कैसे होता है, नहीं होता है, वो सब कुछ।
यूपीएससी फिर आता है सीएससी, इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, और एक बात, सिविल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें होता है। अगर मान लो 600-700 वैकेंसी आ रहा है ईएससी में, तो सिविल का 60% वैकेंसी होगा। सिविल इंजीनियर को ईएससी क्रैक करने आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेज, बिकॉज वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होता है। अदर ब्रांच में 50-60-70 वैकेंसी होता है, सिविल में 400, 200, 300, 400 वैकेंसी होता है, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट यूपीएससी सीएससी, ये सारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे दे सकते हैं। फिर आता है यूपीएससी आईएफएस, ये जितने भी ग्रेजुएट बच्चे हैं सारे दे सकते हैं। फिर आता है गेट, ये सिविल वालों के लिए वरदान है, बिकॉज इसके जरिए आप एमटेक कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, आप पीएससी में जॉब ले सकते हो। फिर आता है अपने पास क्या, एसएससी जेई, इसमें सिविल का बहुत वैकेंसीज रहता है। फिर आता है इसरो का, इसमें मेरे हिसाब से सिविल का इतना कुछ है नहीं हिसाब किताब, आरआरबी एलपी में सिविल का कुछ नहीं है। फिर आता है आरआरबी जेई, इसमें सिविल का रहता है वैकेंसी। फिर आता है आपका एसएससी सीजीएल, ये ग्रेजुएट वाले फॉर्म भर सकते हैं। ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स आप जो बताया मैंने, इसके अलावा इंडिविजुअल पीएसयूज निकलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स निकलते हैं, यही जेई जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके निकलते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हर साल नहीं निकलते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल से 6 7 साल ऐसे गैप में वैकेंसीज निकलता है, बट अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है आपका, जो भी सिटी से हैं आप, तो उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी, मान लो दिल्ली से डीडीए होता है, ऐसे हर जगह, तो उधर उनके ही वैकेंसीज निकलता है सिविल के लिए। तो सब फॉर्म भर के आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। सिविल के प्राइवेट जॉब थोड़ा गड़बड़ करता है, मैंने देखा है, काफ़ी लोग मेरे को बताए हैं कि साइट में काम करना पड़ता है, उधर बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम होता है, टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, लोकेशन पता नहीं कहाँ कहाँ मिलता है। ये नेगेटिव पॉइंट है सिविल इंजीनियर के बेसिकली। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग पढ़े हो तो आप या तो ऑफिस वाला जॉब ढूंढना है, साइड वाला काम इतना मज़ेदार नहीं होता है। हाँ, यंग हो कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट ऑफिस वाला काम ढूंढने की कोशिश करना है, और कोशिश करना है सरकारी नौकरी लो तो बढ़िया रहता है, बिकॉज वैकेंसीज भी ठीक ठाक रहता है इस चीज़ में। ठीक है, ये था पूरा कहानी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।